हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्वा रेहान बात कर रही हूँ और आज जो मैं आपको वाक्य सुना रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली मेरी अम्मी के साथ हुआ था बेसिकली, लाइक हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं लेकिन बट द मेन पार्ट इज़ माई मॉम। अच्छा, तो मेरे बाबा जो हैं वो आर्मी में थे, तो उनकी यूजली 2 ईयर्स के बाद ना हम लोगों की पोस्टिंग हो जाती थी। तो इस दफ़ा हमारी पोस्टिंग जो है वो कोहाट हुई थी। ये KPK का इलाका है। एक तो हमें कैंट में घर नहीं मिला था, हमें कैंट से बाहर घर मिला था, मतलब इन एन कमर्शियल एरिया। तो वो उसके सामने पेट्रोल पंप था और शॉप्स वगैरह थी, मतलब एक ही लाइन में 5-6 घर थे और वो आर्मी के ही थे घर। तो उधर उसमें एक लास्ट घर था, उसमें हम ना शिफ्ट हो गए। अब हुआ ये कि मेरी जब मामा सोई रात को थक हार के, मेरी अम्मी को ख्वाब आया कि उसी घर में एक फैमिली है, बच्चे हैं, एक आदमी वो भाग रहे हैं और उसके पीछे एक बंदा राइफल लेके भाग रहा है और उस बंदे ने उन सबका कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। मेरी मामा जो है वो डर के जागें कि ये कितना अजीब सा ख्वाब है और यही घर जो है वो नज़र आ रहा है, दिस इज़ सो वियर्ड। मेरे बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम थक गई हो, आज जो है वो शिफ्टिंग की है, उसका स्ट्रेस वगैरह है, तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लो और सो जाओ दोबारा। दूसरे दिन भी यही ख्वाब आया, तीसरे दिन भी ये ख्वाब आया, तो माई मॉम सेड कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरी अम्मी को ख्वाब जो है ना वो सच्चे आते हैं। मेरी है ये चीज़, मेरी अम्मी में भी है, मुझ में भी है, मुझ में रेयर है, मतलब बहुत कम हिस्सा हुआ है, लेकिन मेरी अम्मी को जो है ना बहुत जो है ना सच्चे ख्वाब आते हैं। और जिनको इनका थोड़ा सा इल्म हो तो इसमें निशानियाँ होती हैं कि फ़लाना अपने ख्वाब में ये देखता है, तो इसका ये मतलब होता है। चले, वो किसी और दिन का टॉपिक है। सॉरी। तो फिर हुआ ये कि जो है वो कुरान खानी करवाई गई यूनिट से, जो है वो कारी साहब आए, काफ़ी लोग आए, तो कुरान खानी हुई, तो फिर सब कुछ जो है ना वो सेट हो गया। अब फिर ये हुआ कि मैं आपको घर का ना थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे दूं कि ये जो घर था ना, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत पुराना घर था इसके, और बहुत बड़ा था। इसके आगे भी लॉन था, पीछे भी लॉन था, और बीच में भी, मतलब आपने तो आगे पीछे का सुना होगा, बीच का तो कभी नहीं सुना होगा, तो उसके बीच में भी लॉन था, मतलब नॉट बिटवीन द हाउस, लेकिन जो है वो घर के जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे उधर भी लॉन था, और वहाँ जो है एक पहाड़ी थी, कैन यू इमेजिन दैट, पहाड़ी थी और उधर हमने जो है ना सब्जियाँ उगाई हुई थी। तो खैर वो, और इन दी एंड बाद में कि वो उसको जो है पहाड़ी को काट के और उस लॉन को आधा करके उधर पार्क भी बनाया गया था, पब्लिक पार्क बनाया गया था, कि इतना बड़ा घर था। खैर, बैक टू द बिजनेस। तो हुआ ये कि दूसरा जो है एक और वाक्य हुआ कि अच्छा खैर ये 2000 जो है वो 2 की बात है, तो बीच में ना एस्केलेशन शुरू हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के। तो मेरे बाबा जो है ना वो बॉर्डर में चले गए थे कश्मीर, तो पूरा 1 साल आई थिंक हम बाबा के बगैर रहे थे। तो हुआ ये कि उसी टाइम पर मेरी मामा जो है ना वो सोई हुई थी, और टाइम होगा 8-9 बज रहे होंगे, हमारा रूम अलग था तो मामा अलग सोती थी। तो मामा को जैसे एक होते ना आप गनूदगी की हालत में होते हो, मतलब लेकिन आपको ऐसे लग रहा था आप जाग भी रहे हो या नहीं भी जाग रहे हो, उस टाइप की हालत थी। तो किसी ने ना मामा को जगाया, मामा ने आँख खोली, तुम्हारी पप्पो थी। अब हमारी पप्पो जो है वो लाहौर रहती थी, वो इधर नहीं रहती थी, वो थी। उन्होंने मामा से कहा कि फराह भाजी मैं जा रही हूँ, आपने ना मेरे कबर्ड में कुछ कपड़े पड़े होंगे और कुछ पैसे पड़े होंगे, वो पैसे जो है उस फलाने को देने, कपड़े जो हैं वो आपने देने, अगर नहीं देंगे तो अच्छा नहीं होगा, ये आपने चीज़, ये मेरी बात याद रखनी कि आपने ये काम कर ले। मैं तो फिर ना मामा को जैसे फील हुआ कि जैसे कि बस वो चली गई हैं। और आफ्टर फाइव मिनट्स के बाद जब मामा को थोड़ा सा वो होश आया कि या हाँ, मतलब कि मैं तो जाग रही हूँ, तो मामा की कॉल आई, मामा ने वो कॉल उठाई, तो वो मेरे जो है वो दादा ने कॉल की हुई थी, और उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट पहले हमारी पप्पो की डेथ हो गई है। सो दैट वॉज़ वेरी शॉकिंग। और इसी चीज़ का, और यही चीज़ फिर मामा गई, जब मामा गई तो आपको तो मामा को ख्वाब आया, मतलब
जाने से पहले ही ख्वाब आया कि मामा, और ये इस सीन से पहले की बात है, ये जो हमारे आई थी पप्पू आई थी इनसे पहले की बात है, कि मामा को ख्वाब आया कि हमारे दादी वाले घर में लोग ही लोग हैं, लाउंज में लोग ही लोग हैं, हर जगह लोग हैं, और मामा किचन में हांडी बना रही हूँ, जो हांडी बना रही हूँ उसमें चिकन है। और सेम थिंग हैपेंड जब गए, क्योंकि फौतगी वाला घर था तो लोग ही लोग थे और मामा चिकन बना रही थी। तो सो माई मदर हैज़ दिस थिंग कि उनको जो है चीज़ें दिखाई देती हैं, और सारा उनको बचपन में भी बहुत दिखाई देती थी, वो मैं जो है किसी और दिन जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेट्स बैक टू द टॉपिक, गेट बैक टू द टॉपिक। अच्छा तो हुआ ये कि अच्छा हम आर्मी फैमिली से मिलते थे, मतलब कि आर्मी में तो है ना सीन के बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स वगैरह होती हैं। तो मामा को ऐसे फील होता था कि हमारे घर के बारे में ना वो लोग जानते हैं कुछ ना कुछ, वो कुछ जैसे वो आंटियाँ जो हैं वो हमें अभी से पूछती थी कि आप लोग सही रह रहे हैं, कोई चीज़ तो नहीं होती, या ये ऐसा कुछ फील तो नहीं होता। तो मेरी मामा को ऐसे फील होता था कि दे नो समथिंग, लेकिन कुछ बताते नहीं थे। तो मामा पूछती थी कि अच्छा कुछ जो है कोई सीन है, कोई ऐसी चीज़ है उस घर में, तो कहती नहीं 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 हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि वो घर है ना पुराना है बहुत और इस तरह। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर इसके बाद हमारे एक और दफ़ा जो है, एक दफ़ा हमारे कज़न्स आए हुए थे, तो मामा की जो है वो कज़न थी, मतलब हमारे कज़न भी थे और मामा की भी कज़न थी। तो लोग वो रहे कुछ दिन, जब वो जाने लगे ना तो वो मामा की कज़न नज़र ही नहीं आ रही कहीं। उनको इतना बड़ा घर था माशाल्लाह, वो तो जो है वो ढूंढता रहते थे, मतलब बंदा तो उनको ढूंढता ही रहे कि भाई कहाँ है वो, लेकिन वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। फिर इन दी एंड वो पता चला कि वॉशरूम में थी और किसी ने ऊपर से कुंडी लगाई हुई थी, वो बाहर निकली की थी, ये बच्चों ने काम किया है, ये जो है ना इतनी देर से मैं खटखटा रही हूँ। हमने कहा हमें तो आवाज़ ही नहीं आई आपके खटखटाने की। तो फिर कहा कि बच्चों का तो हाथ ही नहीं जा सकता, आजकल के लॉक्स जैसे होते ना कि नीचे वाले, ऐसे नहीं था, वो ऊपर कुंडी लग दी थी, और कोई मतलब कोई जो है बड़ा इंसान कैसे ऐसे कुंडी लगा ले कोई वॉशरूम में हो, और वैसे भी कोई तुक नहीं बनती कि आप वॉशरूम के बाहर से कुंडी लगा दो। तो चलो वो बात जो है रफा दफा हो गया, अच्छा ऐसा कोई सीन नहीं है वगैरह। अच्छा अब फिर हुआ ये कि जब हमारी वहाँ से पोस्टिंग हो गई, ठीक है सारी पोस्टिंग शॉफ्टिंग हो गई, हमने सारी शिफ्टिंग विफ्टिंग कर ली, ठीक है मामा ने दरवाज़े को लॉक लगा दिया, अब हम जा रहे हैं बाय रोड जो है ना कराची जा रहे हैं। हुआ मेरे बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे मामा ने कहा हाँ हाँ बताएं। बाबा ने कहा हमारे आने से पहले इस घर में 5 कत्ल हो चुके थे। ये बात सुन के मेरी अम्मी इतनी हक्का बक्का हो गई, और उनको मतलब समझ नहीं है कि ये बाबा क्या बात कर रहे हैं। मामा ने कहा आप तो मजाक कर रहे हैं, ये बात सच नहीं। बाबा ने कहा हाँ ये असल में ऐसे हुआ था कि इस घर में 5 कत्ल हुए थे, और जो है एक मेजर था, उसकी बीवी थी और 2 बेटियां थीं और एक बैटमैन था, और किसी ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से उस बंदे ने, कज़न था लड़की का, उसने उसको जो है ना कत्ल कर दिया फैमिली को। और ये चीज़ मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मतलब आई वॉज़ इन फर्स्ट ग्रेड, लेकिन इतनी मेरी मेमोरी है कि मुझे जैसे फील होता था हमें कि बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चे जैसे मतलब फिर हमारे रूम में है इस तरह, लेकिन उस तरह हमें उन लोगों ने तंग नहीं किया इस तरह कि जी कोई चीज़ नज़र आ गई, कुछ नहीं, लेकिन देयर वॉज अ प्रेजेंस, और वो फील होती थी हमारे रूम में, बहुत फील होती थी, जो मुझे लगता है कि मे बी हमारा रूम उन जो है बच्चियों का रूम था या क्या था, लेकिन उस रूम में कुछ था। खैर तो ये स्टोरी थी, और मेरे बाबा ने ये कहा कि मैंने ये बाकी जो है वो फैमिलीज को पता था, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि मैंने सबको कहा कि ये बात मेरी बीवी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो नहीं रहेगी इस घर में बिल्कुल भी। और किसी ने नहीं, उनकी फैमिलीज ने, उन जो है वो ऑफिसर्स ने उनकी फैमिलीज को भी मना कर दिया था, तो दे न्यू दिस थिंग, बट उन्होंने हमें नहीं बताया। सो थैंक यू सो मच।